राजस्थान में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है। खास तौर से 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अब आरोपित को फांसी की सजा दिए जाने का कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश कर दिया है। 12 साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में फांसी की सजा दिलाने के लिए राजस्थान विधानसभा में दंड विधेयक 2018 पेश किया गया। मध्य प्रदेश में पहले ही इस तरह का कानून बनाया जा चुका है। वहीं राज्य सरकार छोटी बालिकाओं के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं की वजह से यह कानून बनाने की तैयारी कर रही है। बजट सत्र में ही इस विधेयक को पारित कराया जाएगा। विधेयक में 12 साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड या कम से कम 14 वर्ष की सजा होगी, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह सामूहिक दुष्कर्म में भी जुर्माने के साथ मृत्यु दंड या कम से कम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकेगी। उधर चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर कस्बे में एक 5 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित बालिका को प्राथमिक उपचार के बाद महिला कांस्टेबल की निगरानी में चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी के चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया।